बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ डोनट्स की, तो चलें इसकी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने एक गिलास बॉयल पानी ले लिया है नीम गरम, और उसमें जो है एक ईस्ट का साशा ऐड कर दिया है। अच्छा, जब भी ईस्ट का साशा ओपन करें तो फिर उसको जो है बाकी बचा के ना रखें, या अगर बाकी बच भी जाए तो फिर उसको जो है दोबारा इस्तेमाल नहीं करें, इसलिए वो एक्टिव नहीं रहता। अच्छे से स्पून की मदद से इसको मिक्स कर देंगे, और इसमें मैंने 5 टेबल स्पून चीनी किसी भी ले ली है। चीनी को भी इसमें जो है मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। डोनट्स जो हैं वो बेकरी के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप घर पर ख़ुद बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे बनते हैं। काम ज़्यादा होता है इसका, लेकिन बनाना मुश्किल नहीं है। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने रख दिया है, और देखें ऊपर झाग सी आ गई है, इसका मतलब है कि ईस्ट जो है वो एक्टिव है। इसमें 1 कप नीम गर्म दूध मिक्स कर दिया है, और 1/2 kg मेरे पास है मैदा। 1/2 kg मैदा मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। जब भी घर में मेहमान आए, आप उनके लिए डोनट्स बनाएं, या अपने घर के बच्चों के लिए बनाएं, या किसी दावत वगैरह में बनाएं, और सबके दिल जीत लें। इसलिए कितने मज़े के बनते हैं कि सब खुश होकर खाते हैं। और जो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ होती है, जो हम मेहमानों को पेश करें या अपने घर वालों के लिए बनाएं, उसकी तो बात ही अलग होती है। 1 अंडा इसमें मिक्स कर देंगे। अंडा जो है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। कुकिंग ऑयल जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिक्स किया है, और इसको जो है हल्के हाथ से गून लेना है। डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रखनी है, डो जो है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि डोनट्स जो है वो सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं, और सॉफ्ट ही बनाने चाहिए, जो मुंह में जाते ही घुल जाए, इतने सॉफ्ट होने चाहिए। अब इसको जो है मैं एक शॉपर में करके रख दूंगी, एयर टाइट शॉपर में, इसमें बिल्कुल हवा अंदर ना जाए, ताकि ये जो है डो हमारी राइस हो जाए। तकरीबन 1/2 घंटे के लिए इसको मैं रख दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी डो राइज हुई है, पूरी फुटबॉल की तरह बन गई है। डो जितनी भी फूल के नरम होगी ना, जितनी फूलेगी उतनी ही हमारे डोनट्स जो हैं वो उतने ही अच्छे बनेंगे। अब इसको मैं हाथ की मदद से थोड़ा समेट लूँगी, ताकि इसकी जो हवा है वो निकल जाए। थोड़ा सा डस्ट करके इसको ज़रा मैं डो को सेट करूँगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और मेरी कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, ताकि कोई भी स्टेप जो है वो आपसे मिस ना हो सके। डो का मैंने एक रोल सा बना लिया था, और उसको 3 हिस्सों में कटिंग कर लिया है, और अब इसके जो है पेड़ा मैंने बना के इसकी रोटी बेल रही हूँ। रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी, मीडियम रखना है। और किसी गिलास की मदद से इसको हम कट कर लेंगे, और जो ये बाकी डो हमारी बचेगी ना, इसका भी जो है हम पेड़ा बना के मज़ीद डोनट्स कटिंग कर लेंगे। बनाना तो बेहद आसान है, बस आप स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिएगा। इस तरह से कटिंग करके इसको एक साइड पे रखते जाएंगे। और 1/2 kg मैदे में बहुत सारे डोनट्स बन जाते हैं,
किसी बॉटल का छोटा सा ढक्कन लेके इसके बीच में भी होल कर लेंगे और फिर बीच में से वो जो हमने होल किए हैं वो आटा उठा के अलग रख देंगे। ये देखिए, ये मैंने बहुत सारे डोनट्स बना के रख दी हैं, इनको भी मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी ताकि ये भी राइज हो जाएं। और अब हम इसकी क्रीम की तैयारी कर लेते हैं जिसके ऊपर हम सजावट की चीज़ें लगाएंगे। मेरे पास फ्रेश मिल्क की क्रीम थी, बलाई जो होती है उसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है बलाई को, और उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी पिसी हुई वो भी मैं मिक्स कर दूंगी। तो ये हमारी शानदार किस्म की क्रीम बन जाएगी। और कोई सा भी आपके पास फूड कलर हो, रेड में हो, पिंक में हो, या रू अफ़ज़ा हो, या कोई ग्रीन कलर हो, मेरे पास ग्रीन कलर रखा हुआ है तो वो मैंने ऐड कर दिया है। ये भी एक तरफ हम तैयार करके रख लेंगे। और ज़्यादातर लोग डोनट्स पे चॉकलेट लगाते हैं तो मैं एक छोटा पैकेट चॉकलेट का लेकर आ गई थी, चॉकलेट पाउडर का। और उसके लिए जो है थोड़ा सा मैंने दूध नीम गर्म कर लिया है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 कप नीम गर्म दूध में 1 पैकेट स्मॉल साइज़ का मैंने चॉकलेट पाउडर जो है इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इसके लिए भी मैंने थोड़ी सी चीनी पीस के रख ली है। आप चाहें तो चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चॉकलेट पाउडर, उससे भी काम चला सकते हैं। पिसी हुई चीनी तकरीबन 2 टेबल स्पून मिक्स कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये देखिए, चॉकलेट सिरप हमारा जो है रेडी है। माशाल्लाह, डोनट्स जो है वो राइज हो चुके हैं। और फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब जो है हम इसको सेकते जाएंगे फ्राई पैन में। बस एक वक्त में ज़्यादा नहीं डालने, 4-5 ही डालिए और ये चंद सेकंड में ही जो है ये कुक हो जाते हैं। अगर ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो फिर ये जलने शुरू हो जाएंगे। बस चंद सेकंड के लिए एक साइड इसकी सेकें, फिर साइड चेंज कर दीजिए। बहुत जल्दी पक जाते हैं ये। ये कितना अच्छा सा कलर आया है इनमें। इसको अब हम ऑयल में से निकाल लेंगे। आप भी ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कितने मज़े के बनते हैं डोनट्स। ये देखें, जो हमने चॉकलेट सिरप मैंने तैयार करके रखा था उसमें इस तरह से इसको डिप करते जाएंगे। सिर्फ एक ही साइड डिप करनी है और आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर बंटीज लगाएं, कुछ भी स्प्रिंकल करें, कोई मसला नहीं है। ड्राई कोकोनट पाउडर वो लगा दें, पिसी हुई चीनी का थोड़ा सा टच दे दें, कुछ भी सजावट के लिए तो कर सकते हैं। डोनट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं। आप इसके ऊपर कुछ बादाम लगा लें, पिस्ते लगा लें या चॉकलेट ही रहने दें। देखिए, मैंने मिक्सचर ही की मदद से जो है इस पर मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी चीज़ की मदद से इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कोई ख़ास फार्मूला नहीं है कि आप एक ही जैसे बनाएंगे, आप अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के बनाइए। बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में बेहद लजीज होते हैं और जो घर में हम बनाते हैं तो फ्रेश बनते हैं, कुछ इसलिए भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।